आइए नाज़रीन, आज हम आपको चिकन की हलीम बनाने की रेसिपी देते हैं। असल में हलीम जो है वो बीफ से तैयार की जाती है, लेकिन जो लोग बीफ नहीं खा सकते उनके लिए ये रेसिपी जो है वो बहुत आइडियल है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने बर्गर लिया है। ये क्रैक्ड वीट है, आपको किसी भी इंडियन या एशियन स्टोर से ये मिलेगा। 2 कप्स फुल जो है वो हमने बर्गर के लिए हैं। 1.5 कप फुल हमने चने की दाल का लिया है। 2 हैंड्स फुल हमने माश की दाल के लिए हैं। 1 हैंड फुल जो है वो हमने मूंग की दाल का लिया है। 1 हैंड फुल हमने मसूर की दाल का लिया है और 1 हैंड फुल ही हमने राइस का लिया है। इसको हमने रात के वक्त जो है सारी चीज़ों को पानी डालकर खूब सारा भिगो देना है। सुबह आपने ये पॉट जो है कुकटॉप पे रख देनी है और लो हीट पर इसको पकते रहने देना है। गाहे गाहे देख लें कि ये नीचे ना लगता हो। स्पाइसेस में हमने 1.5 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स का लिया है, यानी कि जीरे का। 1.5 टेबलस्पून फुल हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है, यानी कि काली मिर्चों का। 1.5 टेबलस्पून फुल ही हमने होल कोरिएंडर का लिया है, यानी कि साबित सूखे धनिए का। 6 to 7 हमने क्लोव्स ली हैं, यानी कि लौंग। 1 हमने बे लीव लिया है। 1/3 टीस्पून हमने सौंफ का लिया है, यानी कि फेनल सीड। 1 इंच की हमारे पास सौंठ है, यानी कि ड्राइड जिंजर। 2 हमने ग्रीन कार्डमम्स ली हैं। 6 to 7 हमने बर्ड्स आई चिलीज ली हैं, जो कि बहुत हॉट हैं और ड्राइड हैं। और 1 टीस्पून हमने काले नमक का लिया है। 2 इंचेस की हमने सिनेमन स्टिक ली है, यानी कि दालचीनी। 1 हमने बड़ी इलायची ली है, यानी कि ब्लैक कार्डमम। अब हमने ब्लैक कार्डमम को, हरी इलायची को और बे लीफ वगैरह को बारीक बारीक काट के ग्राइंडर में डाल लेना है। चूंकि ये चीज़ें बाज़ोकात एक साथ पीसती नहीं हैं, और बाकी के सारे स्पाइसेस डाल के आपने इन चीज़ों को बारीक पीस लेना है। और ये देखिए, ये है हमारा सारा ही हलीम का मसाला जो कि तैयार हुआ है। इसमें हमने 2.5 टीस्पून फुल 5 ml का स्पून है सॉल्ट के डालने हैं। बाद में हम चख के और ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून फुल जो है वो हमने इसमें टर्मरिक का डाला है, यानी कि हल्दी का। अब हमने एक फ्रेश चिकन ली है, होल चिकन, जो कि 1.5 kg की है। इसमें ये देख लें कि इसकी ये जो पर की बोन्स होती हैं वो इस तरह पर इसकी रिब्स पे आई हुई होती हैं, उसमें से आपने यूं नाइफ गुजार लेनी है। और इसी तरह पर दूसरे विंग को आप देख लें, उसमें से इस तरह पर आप नाइफ गुजार लें, और ये यूं ये विंग का जो अटैच्ड हिस्सा है बॉडी के साथ वो अलग हो जाएगा। अब आपने इसकी नेक को पकड़ के इसकी बॉडी को एक तरफ को खींचकर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। चिकन को काटने का बिल्कुल यही तरीका है। 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा हमने इसमें तेल डाला है। सारे जो मसाला जात हमने तैयार किए थे वो इसमें डाल देना है, और इस चिकन को हमने थोड़ा बहुत मसाले के साथ जो है वो भून लेना है, यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लगे। अब ये दालें जो हैं हमारी, ये बिल्कुल तैयार हैं। इसको हमने हैंड ब्लेंडर से पीसा है, लेकिन हमने इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। तो इस तरह थोड़ा बहुत हमने ब्लेंडर जो है वो इसमें चलाया है, और अब मसालों की इसमें से खुशबू आने लगी है। इसमें हमने 1/2 कप पानी जो है वो ऐड किया है। जिंजर हमने 1 टेबलस्पून फुल, देखा आपने कि किस तरह पर हमने 1 टेबलस्पून को भरा है, वो डाली है। और उसी तौर पर हमने गार्लिक जो है वो 1 टेबलस्पून भर के जिस हद तक उसमें आ सकता है वो डाल देना है। पिसा पिसाया यूज किया है, खुद चाहे पीस कर डालना तो 1.5 गार्लिक और उसके बिल्कुल बराबर की जिंजर आप पीस के डाल सकते हैं। ये हैं वो गंदम और दालें जो कि हमने तैयार कर ली हैं पूरी तरह से। और जब तक हमारी चिकन को प्रेशर आता है, हमने ये बाकी की चीज़ें जो हैं उसके ऊपर डालने वाली वो काट कर तैयार कर लेनी है। जिंजर जो है उसको जूलियन कट कर लेना है, और लेमन जो है उसके इस तरह पर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज और मिंट जो है वो हमने काटा है, यानी कि धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अब हमने एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का अनियन लिया है, इसको हमने बहुत थिनली नीटली स्लाइस करना है इस तरह पर। एक छोटे फ्राइंग पैन में हमने 3/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें हमने ये अनियन डाल देना है, और मीडियम हीट पे हमने इसको गुलाबी करना है। चिकन को हमने 10 मिनट्स प्रेशर दिया है। गोश्त अमूमन 2 मिनट में गलता है, तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब देख लें। और अब हमने प्रेशर कुकर को खोल के उसमें से चिकन जो है वो निकाल लेनी है, इसलिए कि आप इसकी बोन्स जो हैं वो मीट से अलग कर सकें। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से हमारे अनियंस जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। इनको अब हम एक ट्रे में निकाल लेंगे, जहां पर इनको हम फैला देंगे थोड़ा बहुत, ताकि ये क्रंची हो जाएं।
जो यखनी बची है चिकन निकालने के बाद वो हमने दालों और वीट में डाल देनी है और इसको हमने अच्छी तरह से घोट लेना है, यानी कि इसको हमने हिला लेना है। चिकन जो है वो इस वक्त भी काफ़ी गर्म है, इस वजह से हमने ग्लव्स पहन लिए हैं और यूँ हमने उसका सारा मीट जो है वो बोन से अलग कर लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा दबा के इस तरह फैला लेना है ताकि कोई भी चंक जो है वो मीट का साबित ना रहे। पुराने वक्तों में कराची की गलियों में रथ जगा करके लड़के जो थे वो ये हलीम तैयार किया करते थे। हमें याद है कि मोहल्ले के लड़के एक बाल्टी में हलीम डालकर सुबह सुबह हमारे घर देने आया करते थे। उस वक्त ये हलीम वगैरह जो है ये घरों में यूं तैयार करने वाली चीज ना हुआ करती थी। अब जो तड़का हमने तैयार किया है उसमें से 3/4 हिस्सा जो है प्याज का वो हमने निकाल कर ट्रे में फैला लिया था क्रंची होने के लिए और बाकी का जो प्याज है वो हमने ऑयल के साथ हलीम में डालकर हलीम को तड़का लगा लेना है और इसको फिर मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून फुल हमने इसके ऊपर प्योर गरम मसाले का अब डाला है जिसकी रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसमें सिर्फ क्लोव्स, सिनेमन, ब्लैक पेपर और कार्डमम शामिल है। अब हमने इसको हिला लेना है। ये सिट्रिक एसिड है यानी कि टार्ट्री, इसका हमने 1/6 टीस्पून जो है वो अपनी हलीम में ऐड करना है। अभी तो ये ताज़ी ताज़ी बनी है, अभी ये यूं ही खाई जाएगी, लेकिन शाम के वक्त जिस वक्त हमारे तमाम घर वालों ने वापस आना है उस वक्त तक ये ठंडी हो चुकी होगी और बहुत थिक हो चुकी होगी। उस वक्त हमने इसको 4 to 5 glass ऑफ वाटर डाल के गर्म करना होगा। तो ये तो थी चिकन की हलीम की एक बहुत बेहतरीन रेसिपी। हमने इसके ऊपर मिंट डाली है, फ्रेश कोरिएंडर डाला है, ग्रीन चिलीज डाली हैं, जिंजर डाली है और जो अनियंस हमने गुलाबी करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर डाले हैं। एक छोटा सा लेमन का टुकड़ा हमने इसके साथ रखा है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बेसिक चाट मसाला जो है वो छिड़का है जो कि हमने घर में ही तैयार कर रखा है। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। हम अपनी प्लेट को फिल्म कर रहे हैं तो अम्मी कह रही हैं कि उनकी प्लेट को भी फिल्म किया जाए। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।